हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ साबुदाने की खिचड़ी, जिसे हम व्रत में भी खा सकते हैं, वैसे भी शौकिया बना के खा सकते हैं। देखेंगे किस तरह से बनाना है। देखिए, फलाहारी साबुदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमको पहले क्या तैयारी करना पड़ेगी। ये साबुदाना लिया है मैंने एक बाउल, इसको हम गला देंगे, दो पानी से धो के फिर गलाएंगे। और मूंगफली भून के रखेंगे और आलू उबाल के रखेंगे, एक से डेढ़ आलू चाहिए हमको। अब हम इसको दो पानी से धो लेते हैं। देखिए, हमने दो पानी से धो लिया है इसको। अब हम इसमें पानी से डुबो के रखेंगे इसको आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसका पानी निथार देंगे और फिर आधे घंटे के लिए रखेंगे इसको। जब तक हम इसकी मूंगफली भून के और आलू मैंने बॉईल कर रखे हैं, आप उबाल के रखिए। देखिए, आधा घंटा पहले हमने इसको गलाया था साबुदाने को। अब हम इसको इसी प्लेट को रख के और इसका सारा पानी निकाल देंगे। हल्का सा रहने देंगे इसको वापस आधे घंटे के लिए। इसको ढक के रख देंगे वापस आधे घंटे के लिए। ये देखिए, फलाहारी साबुदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमने ये साबुदाने गला रखे थे, एक घंटे के लिए गलाए थे हमने, आधे घंटे में पानी निकाल दिया था और आधे घंटे वापस गलाए थे। देखिए, खिलमा हो गए हैं, अच्छी तरह खिले खिले हो गए। और हम इसकी सामग्री देख लेते हैं। ये मैंने आलू लिए हैं, एक बड़ा या दो छोटे आलू लें। और ये मैंने दो तीन हरी मिर्ची ली हैं तलने के लिए। और ये मीठी नीम ली है। और ये मैंने मूंगफली दाना भून के और दरदरा कूट लिया है। और ये काली मिर्ची ली है, आप चाहें तो लाल मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये सेंधा नमक लिया है, व्रत का नमक होता है सेंधा नमक। और ये मैंने नींबू का रस लिया है एक के लगभग। और हरा धनिया लिया है। और ये शुगर ली है मैंने आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा। और ये जीरा लिया है और हरी मिर्ची ली है एक बारीक कटी हुई। अब देखेंगे किस तरह से बनाना। मैंने एक टेबल स्पून तेल लिया है। अब मैं इसको जीरा डालेंगे हम। पहले हम हरी मिर्ची तल के निकाल लेंगे जो हमने। जीरा डाल देंगे और ये मीठी नीम और हरी मिर्ची डाल देंगे। आलू डालेंगे। काली मिर्ची नमक सेंधा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसे हमने साबुदाने भिगो के रखे थे इनको डाल देंगे। ये झटपट बनती है साबुदाने की खिचड़ी। सिम आंच रखें, चला के हम इसको आधा मिनट के लिए ढक देंगे। अब
इसमें मूंगफली दाना डाल देंगे जो हमने पीस के रखा है, दस गरम इसको भी हम आधा मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए साबुदाने की खिचड़ी गल गई है। अब हम इसमें शुगर और नींबू का रस डाल देंगे थोड़ा और गैस बंद कर देंगे। तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। देखिए खिचड़ी तैयार है। अब हम ये हरी मिर्ची में थोड़ा नमक और जो हमने नींबू का रस रोका हुआ है वो डाल देंगे। हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। पलाड़ी खिचड़ी तैयार है साबुदाने की। खाएं, खिलाएं और मौज मनाएं।